हम इस चैप्टर का दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे. डिड वीमेन हैव अ रिवॉल्यूशन? तो क्या वीमेन का भी रिवॉल्यूशन उन्होंने भी पार्ट लिया उसमें, या क्या वीमेन भी रिवॉल्यूशन में एक्टिव पार्टिसिपेंट थे? सो लेट्स सी. फ्रॉम वेरी बिगनिंग वीमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी. उनको ये लगता था कि उनका अगर इन्वॉल्वमेंट होगा रिवॉल्यूशन में तो फिर जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट है वो प्रेशराइज हो जाएगी कि उनको भी कुछ मेजर्स दिए जाएँ उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए. कई सारे जो वेमेन थी थर्ड स्टेट की, वो अपने जीविका चलाती थी. किस तरह से चलाती थी? या तो सीमस्ट्रेसेस, लॉन्ड्रेसेस, या फ्लावर्स बेच के, सब्जियां बेच के, वेजिटेबल्स को बेच के मार्केट में, या एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स जो घरों में काम करती हैं, वो प्रॉस्परस पीपल के घरों में काम कर करके अपनी जीविका को चलाती थी. जो वेमेन थी ज़्यादातर उनके पास एजुकेशन नहीं थी और ना ही वो जॉब ट्रेनिंग कर सकती थी. जो नोबल्स या वेल्दिया मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, उनकी ही गर्ल्स को या बेटियों को कॉन्वेंट पे पढ़ने की इजाज़त थी. उसके बाद उनकी फैमिली उनकी मैरिज अरेंज कर देती थी. और जो वर्किंग वेमेन थे उनको अपने घर को चलाने के लिए कुकिंग करना पड़ता था, पानी को लेके आती थी, ब्रेड के लिए लंबी लाइंस मिला लगती थी, और अपने जो बच्चे होते थे उनकी देखभाल करती थी. तो जो उनकी वेजेस होती थी वो बहुत कम होती थी. देवर लोअर देन दोज ऑफ द मैन, मतलब हमेशा उनको इन्फीरियर फील करवाया जाता था देन द मैन. अब जो वेमेन थी चाहती थी कि उनकी आवाज़ उठे, सो दैट उनका जो इंटरेस्ट है, वेमेन का इंटरेस्ट, वो भी पॉलिटिकल सोसाइटी में आ सके. तो इस वजह से उन्होंने अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर्स बनाए. 60 वेमेन्स क्लब्स थे जो कि फ्रेंच सोसाइटी में आ रहे थे, जैसे कि सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी और रिपब्लिकन वेमेन. ये दो इम्पॉर्टेंट क्लब्स थे. अब वो चाहती क्या थी, उनकी डिमांड थी कि जो वेमेन हैं उनको भी सेम पॉलिटिकल राइट्स इन्जॉय करने को मिले जो मेन को मिल रही हैं. वेमेन इस बात से डिसअपॉइंटेड थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, उसने उनको पैसिव सिटीजन्स, यानी कि वो वोट नहीं दे सकते हैं, इस पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में रख दिया था. अब वो राइट टू वोट डिमांड कर रही थी और चाहती थी कि उनको भी पॉलिटिकल ऑफिसर्स को होल्ड करने दिया जाए. और उन्हें लगता कि अगर ये सब चीज़ें हमारी पूरी होंगी तभी हमें लगता है कि हमारे जो इंटरेस्ट है वो हमारा जो इंटरेस्ट है, मतलब उन्हें लगता था कि अगर हमारी ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होंगी तभी हम मानेंगे कि न्यू गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ किया है. अर्ली उसमें क्या था, जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने कुछ ऐसे लॉज बनाए थे जो कि जो वेमेन की लाइफ थी उनको इम्प्रूव कर रहे थे. जैसे कि उन्होंने स्टेट स्कूल्स बनाए थे, उन्होंने स्कूलिंग कंपलसरी कर दी थी सभी गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, सबके लिए. अब किसी के भी फादर उनको मैरिजेस के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं. मैरिज भी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर होती थी जो कि फ्रीली और रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता था अंडर सिविल लॉ. और डिवोर्स को लीगल बना दिया गया जो कि बोथ मेन एंड वेमेन अप्लाई कर सकते हैं. वेमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, वो जॉब्स कर सकते हैं, और आर्टिस्ट या अपने खुद के स्मॉल बिजनेसेस रन कर सकती हैं. जो ये स्ट्रगल था वेमेन का फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, ये चलता रहा बहुत समय तक. ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर ये जो गवर्नमेंट आई थी ना, रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट आई थी, इसने कुछ ऐसे ऑर्डर्स इशू करे थे जिसमें कि वेमेन्स क्लब का क्लोजर हो गया था और उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी बंद कर दिया गया था. और कई सारी प्रोमिनेंट वेमेन जो थी उनको अरेस्ट किया और कईयों को तो मार भी दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया. जो वेमेन का मूवमेंट था फॉर वोटिंग राइट और इक्वल वेजेस, ये कंटिन्यू रहा, चलता रहा नेक्स्ट 200 ईयर्स तक इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. जो फाइट हुई थी फॉर वोट वॉज कैरीड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द 19th एंड 18th सेंचुरीज. जो एग्जाम्पल है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का फ्रेंच वेमेन जो देती है ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी ईयर, वॉज केप्ट अलाइव एज एन इम्पॉर्टेंट मेमोरी. इट वॉज फाइनली 1946 में जो वेमेन थी उन फ्रांस की, उनको राइट टू वोट मिला.
एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो जो रिवॉल्यूशनरी अब सबसे बड़ा जो रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म था जैकोबिन रिजीम का, वो यही था दैट उन्होंने एबॉलिश किया था रिवॉल्यूशन, एबॉलिश किया था स्लेवरी को इन द फ्रेंच कॉलोनी। तो कॉलोनीज थी जो कैरिबियन की, वो थी मार्टिन, ग्यूडलोप और सैन डोमिंगो। ये इम्पोर्टेंट सप्लायर्स थे कमोडिटीज सच एज टबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी के। मगर यूरोपीय ट्रेडर्स जो थे वो नहीं चाहते थे कि वो डिस्टेंट प्लेसेस में जाएं, अनफेमिलियर लैंड पे जाएं और वहाँ काम करें। सो दिस मेंट टू अ शॉर्टेज ऑफ लेबर एंड ऑन द प्लांटेशन। अब ये काम ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के बीच होता था बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। जो स्लेव ट्रेड है वो 17th century में शुरू हुआ। अब इसमें क्या होता था, स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th century। जो फ्रेंच के मर्चेंट्स थे वो बारविक्स और नेंस, ये कुछ पोर्ट्स थे, यहाँ से अफ्रीकन कोस्ट में जाते थे जहाँ पे इनको स्लेव्स मिलते थे जो कि लोकल चीफ्टेंस लाते थे। और ये जो स्लेव्स थे इनको ब्रांड किया जाता था एंड इनको शैकल किया जाता था, और जो स्लेव्स थे इनको पैक करा जाता था टाइटली टू द शिप्स फॉर 3 months लॉन्ग वेज अक्रॉस एटलांटिक टू कैरेबियन, एटलांटिक कैरेबियन, ठीक है। अब दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स। जो प्लांटेशन ओनर्स थे उनको बेच दिया जाता था। जो एक्सप्लॉयटेशन होता था स्लेव लेबरर्स का मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। इनकी डिमांड भी बढ़ती गई यूरोप में। जो पोर्ट सिटीज से लाइक बारविक्स एंड नेंस, ये इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटियाँ फ्लरिश हो गई थी आफ्टर द स्लेव। 18th century में बहुत कम क्रिटिसिज्म था स्लेवरी का इन फ्रांस। जो नेशनल असेंबली थी वो डिबेट्स तो करती थी कि क्या करना है हमें राइट ऑफ मैन में, क्या ये भी हमारी एक राइट है। तो उन्होंने कुछ ऐसा लॉ नहीं बनाया था क्योंकि उन्हें ये डर था कि जो अपोजिशन है, जैसे कि जो बिजनेसमैन है वो लोग उनको अपोज करेंगे क्योंकि उनकी इनकम डिपेंड करती थी स्लेव ट्रेड में। इट वॉज फाइनली ऐसा ये हुआ कि जो कन्वेंशन आई थी ना 1794 में, उस फ्री किया स्लेव्स को इन फ्रेंच ओवरसी पोजिशन, बट ये एक शॉर्ट टर्म रहा। उसके बाद नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस द स्लेवरी, प्लांटेशन ओनर्स जो थे उनको समझ में आ गया था कि उनकी फ्रीडम जो है ना वो एक तरह से उनकी जो फ्रीडम है उसको कम किया जा रहा है और उनको स्लेव्स बनाया जा रहा है, सो दैट जो उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ती रहे। और 1848 में ये एबॉलिश हो गई थी। अब ये द रिवॉल्यूशन इन द एवरीडे लाइफ हमें ये शुरू करना है। इससे कुछ मीनिंग्स है, नीग्रोस एक वर्ड आया था यानी कि सिटीजंस, राइट, और एमांसिपेटेशन द एक्ट ऑफ फ्री, द रिवॉल्यूशन इन द एवरीडे लाइफ। सो क्या पॉलिटिक्स चेंज कर सकती है लोगों का रहन सहन, जो भाषा बोलते हैं, जो पढ़ाई लिखाई वो बुक से करते हैं। जो ईयर्स थे जो फॉलो आफ्टर 1789 इन फ्रांस, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए द लाइव्स ऑफ द मेन, वेमेन एंड चिल्ड्रन। जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी took it upon themselves to pass law that would translate the ideals of liberty and equality into everyday life. जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने took it upon themselves to pass laws, कई सारे लॉज बनाए जो ट्रांसलेट कर रहे थे द आइडल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी इनटू एवरीडे लाइफ। एक इम्पॉर्टेंट लॉ जो इफेक्ट में आया था सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल इन द समर ऑफ 1789, एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। क्या था, ओल्ड रेजिम में जो भी सारे रिटन मटेरियल या कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, प्लेस, सब कुछ जो होता था ये तभी पब्लिश या परफॉर्म किया जाता था जब ये अप्रूव्ड हो सकते थे बाय द किंग।
by the censor of the king. Up to declaration of the right of men थी, right of declaration of right of men citizens. इनके वजह से क्या हुआ था, freedom of speech, expression, एक natural rights बन गई थी. अब newspapers, pamphlets, books, printed pictures flooded the towns of France from where they travelled rapidly in the countryside. Newspaper, pamphlet, books or printed pictures, ये फ्लड कर रहे थे टाउन को ऑफ फ्रांस और यहाँ से ये ट्रैवल कर रहे थे कंट्री साइड में. अभी डिस्क्राइब कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे वो इवेंट्स और चेंजेस जो हो रहे थे फ्रांस में. जो फ्रीडम थी ऑफ द प्रेस ऑल्सो मेंट दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड. ईच साइड सॉट टू कन्विंस द अदर ऑफ इट्स पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ द प्रिंट. तो प्रिंट के माध्यम से जो भी साइड होती थी ना अपोजिशन की या जो भी साइड होती थी वो सब अब प्रिंट की जा सकती थी या डिस्कस की जा सकती थी. प्ले सॉन्ग्स ऑफ फेस्टिव प्रोसेशंस जो होते थे वो लोगों को अट्रैक्ट करते थे बहुत सारे. और दिस वाज वन वे कि जो दे कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई द विद द आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसफर्स रोल अबाउट एट लेंथ इन टेक्स्ट व्हिच ओनली अ हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड. तो जो एक्ट वगैरह होते थे इसके थ्रू जो बहुत से लोग थे जो पढ़ लिख नहीं सकते थे वो ग्रास्प कर. 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो यूरोपियन एम्पर बनता है फ्रांस का और वो जल्द ही जो सारी नेपोलियन यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको भी अपने कब्जे में ले लेता है. वो सारी डायनेस्टीज को ख़त्म करता है, राजाओं को ख़त्म करता है और खुद राजा बन जाता है हर जगह का. और हर जगह अपनी डायनेस्टी और फैमिली को ही चलाता है. नेपोलियन जो था अपने को मॉडर्नाइजर मानता था यूरोप का. उसने कई सारे लॉज बनाए जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी किया गया और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर को प्रोवाइड किया गया बाय डेसिमल सिस्टम. इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन, कईयों ने नेपोलियन को एक लिबरेटर के तौर पे देखा जो कि फ्रीडम लाएगा लोगों के पास, मगर सोनी नेपोलियन ने कामी जो थी वो हर जगह पाई थी और उसको डिफीट किया गया वाटरलू के युद्ध में जो 1815 में हुआ था. और ये जो मेजर था मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरी द रिवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर द नेपोलियन हैड लेफ्ट. जो आइडियाज़ थे लिबर्टी के और डेमोक्रेटिक राइट्स ये जो थी इम्पोर्टेंट लेजेसी बन गई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की और ये स्प्रेड हो रहे थे फ्रॉम फ्रांस टू रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. अब जो फ्यूडल सिस्टम था ये इस्टेब्लिश एबॉलिश हो गया. कॉलोनिज्म जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे वो अब अपने आइडियाज फ्रीडम जो बोन फ्रॉम बॉन्डेज इनटू द मूवमेंट टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशन स्टेट. सुल्तान और राम मोहन थे ये एग्जांपल इंडिविजुअल के जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया था टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम द रिवोल्यूशनरी फ्रांस. सो ये हो गया हमारा आखिरी पार्ट. थैंक यू.